इसराइल की मदद से भारत फिर से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द ही अपने कब्जे में कर लेगा और 26 जून 2023 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कश्मीर की धरती से यह ऐलान भी किया कि पीओके यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का ही पार्ट है और इसे फिर से हासिल करने के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है। इनफैक्ट आर्मी जनरल ने भी ये बयान दिया है कि हमें बस इंतजार है भारत सरकार के ऑर्डर्स का, जिसके लिए हम तैयार बैठे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसराइल ने भी कश्मीर में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, भारत का दोस्त और पाकिस्तान का जानी दुश्मन इसराइल ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि वो कश्मीर में दो बड़े एग्रीकल्चर सेंटर्स ओपन करने वाला है, जो भारत के लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जिससे कश्मीरी किसान इसराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करेंगे। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसमें इसराइल जैसे सूखे देश को ही एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंट बना दिया है। वैसे इस मिलन से पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तो कश्मीरियों को धमकी देना शुरू भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन या किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेगा। वैसे भारत में पिछले कुछ सालों से कश्मीर को लेकर काफी सीरियस है और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर भारत में किसी ने गलती से भी इंडियन में अपने भारत को पीओके का हिस्सा नहीं दिखाया तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, शायद आपको याद होगा जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में चिक चिक का ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? ये अब तो छोटी सी बात है। हाल ही में कश्मीरियों की पहाड़ियों के 9000 फीट पर एक ट्री एक्सरसाइज भी हुआ, जब पहली बार इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर कश्मीर में किसी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। आज कश्मीर में दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिट्री तैनात है और वहाँ की मैरिज हाउस को भी मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर कभी भी वॉर की नौबत आए तो आर्म्स और वेपन की कमी ना हो। और आज भारत पूरे विश्व में गर्व के साथ ये कह रहा है कि आज नहीं तो कल कश्मीर के इस मामले को हल कर ही लेगा। रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को कहा गया कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि दो डेमोक्रेसी यानी इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के इस मुद्दे को आसानी से हल कर लेंगे, इस पर जयशंकर जी ने बड़ी ही स्मार्टली से जवाब दिया, डोंट वरी सेनेटर, वन डेमोक्रेसी विल सेटल इट एंड यू नो व्हिच वन। और अभी भी समय भारत के पक्ष में है, क्योंकि इसी साल भारत G20 की प्रेसिडेंट बनते ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया। G20 समिट के कुछ मीटिंग कश्मीर में किया जाएगा। कश्मीर की तरह भारत का झुकाव देख आज के समय के कश्मीर में लगभग 51,000 करोड़ रुपीस फॉर इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया जा चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पीओके की जनता भी पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत का हिस्सा बनना चाहती है, और भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिटी असेंबली में 24 सीट्स आज भी पीओके के लिए रिजर्व रखी है, जो पाक की जनता को ये मैसेज देता है कि भारत का हिस्सा बनने के बाद कम से कम उनकी बातों पर सोच विचार किया जाएगा। अब चलिए जरा पीओके की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 14 सेंचुरी तक बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टिक इस एरिया पर राज करते थे, फिर 1587 में महाराजा अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण करके इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। मुगलों के बाद 17 सेंचुरी में यहाँ डोंगरा कम्युनिटी का राज था, जिसके बाद सिख राजाओं ने यहाँ पर राज किया। 1886 में पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने सिख महाराजा को 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देने और पंजाब का एक बड़ा सा हिस्सा सरेंडर करने को भी कहा, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर अलग स्टेट के तौर पर साल 1846 में बना। तब राजा गुलाम सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। इसी राजा गुलाम सिंह ने सिख वॉरियर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की मदद की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस एरिया का कंट्रोल राजा गुलाम सिंह को दे दिया। अब बात करते हैं आजादी के ठीक पहले की। राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। तब आजादी के वक्त हर राजा के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला तो ये कि भारत का हिस्सा बनना, दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा बनना और तीसरा इंडिपेंडेंट रहना। सिंह ने तीसरा ऑप्शन चुना, पर ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। माउंटबेटन ने हरि सिंह के इस मुद्दे पर कहा, अगर आप इंडिपेंडेंट रहने की मांग करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी स्टेटस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 15 अगस्त से पहले अब पाकिस्तान या भारत में से किसी एक को चुन लें, आप जो भी डिसाइड करेंगे ब्रिटिश हुकूमत उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी राजा सिंह ने इंडिपेंडेंट फैसला लिया। वैसे तो कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस समय कश्मीर की आबादी में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम थे, और उस पाकिस्तान का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था। जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, तभी से पाकिस्तान का यही रोना था कि कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी देश है, इसलिए उसे पाकिस्तान में ही शामिल होना चाहिए। और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को भेजकर कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर हरि सिंह और कश्मीर आवाम के बीच भी आजाद रहने के फैसले को लेकर काफी बवाल मचा। लोग इस बात से काफी परेशान थे कि वो किस तरह अपना कदम बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की तरफ या
हिंदुस्तान की तरफ। और इस बीच लोगों ने राजा के खिलाफ काफी विरोध किया और रावलपिंडी बॉर्डर के पास स्थित पुंछ जिले पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, लोगों ने एकजुट होकर 3 अगस्त 1947 को वहां पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसके बाद 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के उत्तरी इलाके में रहने वाले पश्तून जाति पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में घुसकर बरमुल्ला और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। हालात बिगड़ता देख हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद की अपील की, लेकिन उन्होंने हरि सिंह को यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि इंडियन आर्मी तभी आपकी मदद करेगा जब आप हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। हरि सिंह समझ गए अगर उन्हें भारत का साथ नहीं मिला तो उनकी गद्दी छिन जाएगी, जिसके डर से 26 अक्टूबर को इस इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर अपने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर में भारतीय सेना को उतारा और भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त जंग हुई जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारा। उधर 1 अगस्त 1948 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को बेहतर करने के लिए यूएन से इस मामले को सुलझाने की मांग की, जिसे देख यूएन ने रेजोल्यूशन 47 एक्ट को पास कर दोनों देशों के बीच इस झमेले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने सिस्टा जैसे पॉइंट को उठाकर कहा दोनों ही कंट्रीज से हमारे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेना को जम्मू कश्मीर में कम कर दें। कश्मीरी नागरिक से वोट करके ये डिसीजन लेना होगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कश्मीर से अपनी सेना को नहीं हटाना ठीक समझा, जिससे समस्या के कारण इस मामले पर आज भी वोटिंग नहीं हो पाई। 1949 को कराची समझौते में दोनों देशों ने साइन किया और सीज फायर लाइन को खींचा, जिससे आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ऐसा करके पाकिस्तान कश्मीर का 30% हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वही दूसरी ओर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा चाइना बॉर्डर से जा मिलता है, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है चाइना पाकिस्तान रोड। अगर ये रोड बन गई तो बड़ी आसानी से भारत पर हमला करने में सफल हो जाएगा, जो कि भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि जितना डर पाकिस्तान को खो देने का है उससे कई गुना ज्यादा दहशत चाइना को अपने भारी इन्वेस्टमेंट को गंवाने का है, क्योंकि चाइना सिर्फ चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में ही $65 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, जो मेनली पीओके के रास्ते से ही गुजरेगा। और चाइना जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब है, इसलिए वो चाइना को इतनी बड़ी रकम वापस नहीं कर सकता, और इसी बीच अगर भारत ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए पाकिस्तान और वहां किए गए इन्वेस्टमेंट एरिया को बचाने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दो तरफा जंग छिड़ सकता है, जिसमें भारत को भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भारत का भी कोई इरादा नहीं है इन इलाकों पर कब्जा करने का। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा कर सकता है, वो है पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके। 1867 में रशिया और अमेरिका के बीच ट्रीटी ऑफ सीजन साइन हुआ, जिसमें से $1.5 मिलियन देकर यूएसए ने रशिया से अलास्का को खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को देखते हुए भारत उसे इकोनॉमिकली सपोर्ट कर बदले में बिना किसी युद्ध और खून खराबे के पीओके को अपने नाम करवा सकता है। पर फिर से प्रॉब्लम ये होगा कि भारत की रूलिंग पार्टी चिल्ला चिल्ला कर ये कहती है कि पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, और ऐसे हालात में अगर पीओके को पैसा देकर खरीदा गया तो अपोजिशन पार्टी और जनता ये कहेगी कि अगर वो भारत का हिस्सा है तो उसे पैसा देकर क्यों खरीदा गया, यानी कि अब तक सरकार हमसे झूठ बोल रही थी। इसलिए अगर इस समझौते में पैसे का जिक्र हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन बचा हुआ है भारत के पास, वो है यूनाइटेड नेशन की दखलंदाजी, क्योंकि इससे पहले ऐसी कई गंभीर मामलों में यूएन ने इंटरफेयर किया है। फॉर एग्जांपल कुवैत इराक क्वाड, तो इराक कुवैत के ऑयल रिजर्व पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए 7 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर अचानक से हमला कर दिया। उधर कुवैत की डिफेंस आर्मी उतनी मजबूत ना होने के कारण उसने यूएन से मदद मांगी, जिसके बाद मामले में इंटरफेयर करते हुए इराक को अपनी आर्मी हटाने के लिए 1.5 महीने का समय दिया, लेकिन इराक ने इसे नहीं माना, जिसके जवाब यूएन और एलिट फोर्स ने एकजुट होकर कुवैत में अपनी सेना उतारी इराकी आर्मी पर हमला करने के लिए। फिर एक के बाद एक तबाहतोड़ हमले को देखकर कई सारी इराकी ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया, और आखिरकार 28 फरवरी 1991 को इराक बुरी तरह हारने के बाद कब्जा किया हुआ सारा इलाका कुवैत को वापस कर दिया। वैसे इस ऑप्शन से खास बात नोटिस करने वाली यह है कि कुवैत को खुद की जंग नहीं लड़नी पड़ी, और दूसरी उसका देश भी सेफ हो गया। ठीक उसी तरह भारत भी कुवैत के हालात को देखते हुए इस मुद्दे को G20 जैसे इंटरनेशनल मीटिंग में उठाकर अगर यूएन इंटरफेयर करने की मांग करता है, ये उपाय कारगर साबित हो सकता है, जिसके बाद भारत के सर पे यूएन का हाथ भी रहेगा और वो बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश भी करेगा।
प्लस इंटरनेशनल ये मुद्दा उठाने पर सभी देश भारत की मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर में भारत का बहुत सम्मान है और सभी जानते हैं आज भारत की पोजीशन पूरी दुनिया में क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में खाने को लेकर भी मुश्किलें हैं, इसलिए भारत को अब पीओके की ग्राउंड रिपोर्ट पर वहां के बदतर हालातों को लेकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूएन के पास सबमिट करनी चाहिए, जिसमें ये साफ लिखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत के इलाके पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है, जिसके बाद शायद सभी देश मिलकर पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, जिससे पाकिस्तान के पास पीओके को छोड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता ना बचे। यहां तक कि हाल ही में इससे जुड़ी खबरें ये आई कि 10 जुलाई से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट पूरे बलूचिस्तान और गिलगित में ब्लॉक कर दिया गया है। ये मैं नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स का कहना है, पर कुछ लोग इससे पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह इस बात को भी नकार दिया। अब अगर ये इंडिया का कराधारा है तो इसे 2024 से पहले एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज के रूप में देखा जा सकता है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि अगर पीओके कल को इंडिया का हिस्सा बन गया तो इसे भारत का क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान और चाइना के बीच कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं बचेगा, जिसके चलते चाइना के साथ पाकिस्तान के सारे संपर्क टूट जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने मेला का स्टेट से जोड़ने का चाइना का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा पीओके के पास जुड़ने से भारत को इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा होगा। भारत के सेंट्रल एशिया रीजन के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। फिलहाल तो इंडिया ईरान में हो रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशियन इलाके के साथ ट्रेंड कर रहा है, जिसके कारण सेंट्रल एशियन रीजन से भारत का बिजनेस काफी कम है। वहीं अगर चाइना के कंपैरिजन में देखें तो चाइना सीआर के 700 मिलियन डॉलर्स का ट्रेंड करता है, तो वहीं भारत सिर्फ 2 बिलियन डॉलर्स तक ही पहुंच पाया है। इसलिए वो भारत से जुड़ने के बाद सेंट्रल एशिया रीजन भारत के लिए ओपन हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के सेंट्रल नॉर्थ को इससे कोई फायदा होगा, इससे कोई प्रॉफिट होगा, पीओके के लोगों को भी इसका भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी तक हाई इन्वेस्टमेंट की गई है। इससे ये बात तो साफ है कि अगर पीओके हमसे जुड़ता है तो वहां भी आने वाले कुछ सालों में डेवलपमेंट होगी। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को फिर से हासिल कर पाएगा या फिर ये सब बात जुमलेबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।